झरना कितनी अच्छी तरह से बह रहे हैं। और मेरे यहाँ पे कुछ दोस्त खड़े हैं, फोटो वगैरह ले रहे हैं। और आप देखिए झरना यहाँ से कितना डायरेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे कितना ढलान है आप देख सकते हो। देखिए मेरा दोस्त जरा हुआ हमेशा धीरे धीरे चलता है, ये तो सही है। पिछला वाला और धीरे चलता है, देखिए लग रहा है कहाँ से आया है। सपनों का घर भाई, आराम से चढ़ना है भाई। जो लोग पहाड़ों में नहीं आते हैं, यहाँ से रास्ता जा रहा है। कोई फायदा नहीं ऊपर। लगे हुए हैं जिसमें हमने रात भर स्टे करा। एक लंबी चढ़ाई के बाद काफ़ी मुश्किलों से पहुंचा गया यहाँ पे। अभी जिन्होंने आए बोला था वो एक हमारे कंपनी के एक प्रोग्रामर है, आइए उन्हीं से बात करते हैं पहले यहाँ पे आके उनको कैसा लगा। बहुत बढ़िया लगा सर, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी लो है, और अगर आप दिल्ली से गर्मी के मौसम में आते हैं तो आप बहुत मजा आते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या यादें लेके जाएंगे आप यहाँ पे? सर एक्सपीरियंस रहा कि ट्रैकिंग का यहाँ पे जिनके साथ चढ़ रहे थे उनको काफ़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि कुछ लोगों ने सामान बहुत ज़्यादा लेके आए थे, और लड़कियाँ थी तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम थी कि वो सही से चढ़ नहीं पा रही थी। तो मैं आपसे कहूँगा कि कम से कम सामान लेके आइए ताकि आप आसानी से इस ट्रैकिंग को कम्प्लीट कर सके। और बहुत ही एक्साइटिंग ट्रैकिंग थी, चैलेंजिंग थी और मजेदार थी। क्या आपने ट्रैकिंग करने से पहले इस चीज का पहले अनुभव किया था कि ट्रैकिंग किस प्रकार की होती है? नहीं, इसके पहले नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। इसके पहले मैं पहाड़ी एरिया में गया था तो बस से ट्रेवल कर रहा था। ट्रैकिंग के कुछ जरूरी सामान होते हैं वो आपने रखे थे? हाँ, लाइक पेन किलर रहना चाहिए आपके पास, और मूव वगैरह रहना चाहिए कि आपको अगर कोई मोच आती है तो यूज कर सकते हैं। Thank you.